उधमपुर के डीसी ने उधमपुर की जनता को इस बार स्वतंत्रता दिवस पर क्या दिया है संदेश? हर वर्ष की भांति इस बार भी सारा देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां कर रहा है और हर कोई इस समय तिरंगे झंडे को लेकर अपनी राय दे रहा है, अपने घर में तिरंगा लगा रहा है। मेरे दिल में तिरंगा, मेरी जान तिरंगा, क्योंकि हमारी आन बान शान है तिरंगा। संत करेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। उधमपुर के डीसी ने उधमपुर की जनता को इस बार स्वतंत्रता दिवस पर क्या दिया है संदेश? दैनिक श्रेष्ठ समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 15 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है और हर वर्ष की भांति इस बार भी सारा देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां कर रहा है और हर कोई इस समय तिरंगे झंडे को लेकर अपनी राय दे रहा है, अपने घर में तिरंगा लगा रहा है। मेरे दिल में तिरंगा, मेरी जान तिरंगा, क्योंकि हमारी आन बान शान है तिरंगा। और इसी को लेकर आज जिला उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य, उन्होंने उधमपुर की जनता को एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है कि किस तरह से इस स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाए। तो आइए सुनाते हैं कि क्या कहते हैं जिला उधमपुर के डीसी साहब सचिन कुमार वैश्य। तो देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। सभी उधमपुर के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम इस 15 अगस्त को अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, गांव-गांव में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो कार्यक्रम हैं वो स्वच्छता पर हैं, राष्ट्रगान पर है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन आयोजित किए जा रहे हैं, तिरंगा रैलियाँ निकल रही हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नशा मुक्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, आप एज ए समाज के तौर पर पूरी तरीके से सहयोग दें इसमें। हम सभी ऑफिसर, हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, इस स्वतंत्रता दिवस से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे ताकि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा बना सकें। आपको पता है कल से मेरी माटी मेरा देश कैंपेन शुरू हो रहा है, जिसमें हमें पाँच प्रण लेने हैं और पेड़ लगाना है, शिला पलखम लगाना है, हमें अपने वीरों का नमन करना है जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, उनका नमन करना है, उनका वंदन करना है, देश के प्रति समर्पण की भावना को जगाना है। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे ज़िले में, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो देश की प्रगति में हमारी ज़रूरत है, आपकी जो ज़रूरत है, उतना योगदान दें।